आजो। अलग अलग इसमें ना 1-1.5 किलो तक सामान आ जाता है एक पॉकेट। इसमें पॉलीथीन तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लिया जा सकता है। और पॉलीथीन पता है इतना नुकसान करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये देखिए आराम से आपके सही बात है। आज हमारी संस्था हम फाउंडेशन ने पॉलीथीन मुक्त घर अभियान आज आरंभ किया है। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं सप्ताह में 2 या 3 बार सब्जी मंडी जाती हैं। वो हर बार सब्जी में गोभी के लिए अलग पॉलीथीन लेके आती हैं, फ्रूट के लिए अलग पॉलीथीन लेके आती हैं, मिर्च के लिए अलग पॉलीथीन लेके आती हैं। लेकिन हमने उस सबका एक समस्या का एक सोल्यूशन ढूंढा है। हमने एक ऐसा बैग तैयार किया है जिसमें पॉकेट्स बनी हुई है। आप एक पॉकेट में गोभी डालिए, एक में आलू डालिए, एक में टमाटर डालिए, उससे क्या होगा, आपके घर में पॉलीथीन नहीं आएगा। जैसे आप लोग जानते हैं, पॉलीथीन हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे पशु पक्षियों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी चुनाव आयोग ने भी हमारे को एक राय दी है, एक सलाह दी है कि हम लोग एक पॉलीथीन एक प्लास्टिक मुक्त चुनाव करें। तो हमें भी क्यों ना, हमारा एक संस्था ने एक अभियान छेड़ा है, क्यों ना हम सरकार के साथ चुनाव आयोग के साथ मिलजुल कर एक ऐसा अभियान चला स्टार्ट करें जो बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त हो। हम फाउंडेशन जो है वो पर्यावरण के लिए कार्य करती है, और अब इसी के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के तहत हमने पॉलीथीन बंद करने का निर्णय लिया है। और इस पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि बैग बनवाए हैं हम फाउंडेशन की तरफ से, जो कि लोगों को जागरूक करेंगे कि पॉलीथीन बंद कीजिए, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान देते हैं और इसे अगर पशु खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने बैग बनवाए हैं और 30-40 बैग हमने बांट दिए हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आए कि पॉलीथीन बंद करें और जब भी वो सामान लेने जाएं तो ये बैग अपने साथ लेके जाएं, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दे सकें। धन्यवाद।